दोस्तों सहज धारा जो है ये देहरादून से करीब 17 किलोमीटर है और मंसूरी से करीब 27 किलोमीटर है। और मंसूरी से देहरादून वाले रास्ते पर बीच में ही ये पड़ता है, आप चाहें तो देहरादून जाते हुए भी इसको कवर कर सकते हैं और चाहे तो मंसूरी से लौटते हुए भी सहज धारा जा सकते हैं। और मंसूरी से सहज धारा आपको करीब 1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में। और रोड कंडीशन बहुत ही प्यारी है, कोई रोड की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया रोड है, नज़ारे भी बहुत प्यारे हैं। फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं सहज धारा इलाके में, अब आगे सहज धारा बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। सहज धारा का जो जल है ये एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। कहा जाता है इस गंधक के जल में आकर कोई भी स्नान करे उसको चर्म रोग, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती वो ठीक हो जाती है। इस जल का सबसे बड़ा महत्व यही है। तो गाइस अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आइए और यहाँ के जल से स्नान करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इस जल से नहाने के लिए लोग दूर दूर से हज़ारों संख्या में आते हैं और कोई स्नान वगैरह होता है तो लोग यहाँ पर तांता लगा होता है, बिल्कुल इतनी भीड़ होती है कि नहाने की जगह नहीं मिलती है। और यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स जहाँ पर उचित प्रकार का खाना मिलेगा आपको, और रुकने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर रुकने के लिए भी आपको 500, 600, 700, 800 तक के रूम अवेलेबल हो जाएंगे। और सहज धारा से ऊपर थोड़ा सा आप और जाएंगे तो यहाँ से 150 का आने जाने का रोपवे का जो किराया है, आप ऊपर ऐसा कुछ खास नहीं है लेकिन ऊपर जाकर ऊपर एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है, वो ऊपर टॉप हिल पर, वहाँ पर जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं खाना पीना ना खाकर, लंच वगैरह करके डांस वांस पार्टी वार्टी करके फिर आप शाम को नीचे आ सकते हैं। प्राचीन दो गुफा शिव मंदिर सहज धारा, ये देखिए पहाड़ों से कैसे पानी निकल रहा है। सांप जिंदे दुनिया भर के फड़े फड़े खड़े करे हुए अजीब का दोस्तों लीजिए भोले बाबा के दर्शन करिए। पानी पहाड़ों के ऊपर से आता हुआ टपकता हुआ देख रहे हैं, लग रहा है बारिश हो रही है। हेलो
चरम रोग, हाथ धुबली, कुंसी फोड़े, गैस वगैरह के लिए काम आता है, जिसको पीने के लिए, नहाने के लिए हजारों लोग आते हैं सैन धारा में। गोरा पानी बन सारा जो मैंने हुई है पाँच गुफा। इस गुफा में भगवान गुरु द्रोणाचार्य जी ने भगवान शंकर जी की तपस्या की, जब तपस्या की थी तो भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए थे, जब दर्शन दिए थे तो इस पहाड़ से हजारों धाराएं उत्पन्न हुई थी जो आज भी निरंतर गिरती रहती है। अंदर जो गुफा है वो मंदिर के अंदर है, जिसमें हजारों शिवलिंग है, उनके ऊपर हजारों बूंदे पानी गिरती है, इसलिए इस जगह का नाम प्राचीन द्रोण गुफा शिव मंदिर सहस्त्रधारा। ये गंधक वाला पानी है और उस तरफ से इधर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ ऊपर पहाड़ों पर। पार्वती माता की गुफा है, ये सहज धारा के ऊपर गिर रहा है पानी। तो उसके लिए पूरा वीडियो शूट करते हैं, देखिए लोग फोटो वगैरह शूट कराते हुए यहाँ पर। इतनी नेचुरल जगह है और इतनी पवित्र जगह है यहाँ पर, तो लोग रुक नहीं पाते हैं। ये देखिए गुफा, ये सहज धारा जो कि बूंद बूंद करते देखते हैं कैसे टपक रही है। आइए नेक्स्ट लेवल पर ऊपर चलते हैं। ये पार्वती माता की गुफा है, वो गणेश द्रोणाचार्य गुफा है, उधर गणेश महाराज की गुफा है, माता का प्रसाद। सीधा हाथ कर, ये बद्रीनाथ का प्रसाद है, इधर आके आगे होकर बैठ। गौ माँ को दो फल देना है, बड़ा आदमी बन जा गुमान मत करना, तेरे घर में साधु संत आएगा खाली मत भेजना। ठीक माता, ठीक है बेटा, बहुत बड़ा आदमी आएगा और चार पहियों वाली गाड़ी भी लेकर आएगा। जी कहाँ से बेटा? कानपुर से। जय माता काली, वचन ना जाए कभी खाली, जा बेटा हमेशा खुश रहेगा, सदा खुश रहेगा। जय माता काली, वचन ना जाए खाली, जा बेटा अगले साल बच्चे परिवार कितना। एक बेटा है अभी। अभी एक ही बेटा? जी जी। ये तो नहीं बच्चा? नहीं नहीं अभी आया नहीं बेटा। अच्छा, मन में सोचे तेरे हर काम सफल होंगे बेटा, अब बाबा साधु को धन दौलत नहीं चाहिए बेटा, थोड़ा माता ने चद्दर लेना, माता का बिस्तरा दे दिया, मन में आए तो देना, नहीं तो कोई जोर नहीं। ठीक माता जी, ठीक है, गुफा देख के आओ। दोस्तों अगर ये मेरा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऑलरेडी कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे नेक्स्ट जो है ऋषिकेश का ब्लॉग की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा जिसमें मैं पूरा आपको ऋषिकेश का कवरिंग दिखाऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।